हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ कि आप विंडोज़ में स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं। मैं आपको तीन तरीके बताऊंगा कैसे आपको स्क्रीनशॉट लेना है विंडोज़ में। उसके पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएगा। वीडियो को लाइक के बिना मत जाइएगा, जितना हो सके इसको भी वीडियो को शेयर कीजिए, तभी मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप विंडोज़ में कैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको तीन तरीके बताऊंगा कैसे आपको स्क्रीनशॉट लेना है विंडोज़ में। तो पहला वाला है विंडोज़ और प्रिंट स्क्रीन बटन। ठीक है, आपको विंडोज़ बटन दबाना है, उसके बाद प्रिंट स्क्रीन बटन दबाना है, तो खुद ब खुद आपका विंडोज़ का स्क्रीनशॉट ले लेगा। ठीक है, मैं पहले इस गूगल क्रोम का स्क्रीनशॉट लेके दिखा रहा हूँ। ठीक है, मतलब होम पेज का। तो मैंने विंडोज प्रिंट स्क्रीन दबाया तो ये देखिए, आप स्क्रीन में देखिए एक फ्लैश आ जाएगा, उसके बाद ये स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगा। ये सेव कहाँ होगा, तो आप माय कंप्यूटर खोल लीजिए, उसके बाद जो लेफ्ट साइड में जो आ रहा है ऑप्शंस, उसमें आप पिक्चर्स में डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए, फिर स्क्रीनशॉट्स में आ जाइए, तो यहाँ में आपको स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगा। मैंने बहुत सारा स्क्रीनशॉट ले रखा है इसलिए बहुत सारा आ रहा है यहाँ में। एकदम लास्ट वाला देखिए, ये मैं अभी लिया है, ये रहा क्रोम का, देखिए कस्टमाइज ये दिखा दिया हूँ आपको खोल के कि ऐसे आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, तो मैं इसे अभी डिलीट कर रहा हूँ, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्क्रीनशॉट। जो सेकेंड स्क्रीनशॉट है वो है स्निपिंग टूल के मदद से हम लोग यूज करेंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं इस विंडोज का होम पेज मतलब डेस्कटॉप का मैं स्क्रीनशॉट लूंगा। ठीक है, कुछ पार्ट तो मैं यहाँ में टाइप हियर टू सर्च में मैं अभी सर्च करने वाला हूँ स्निपिंग टूल, आप भी सर्च कर लीजिए और इसे आप खोल लीजिए। ठीक है, फिर न्यू में मैं क्लिक कर दूंगा। अभी जहाँ पे मुझे स्क्रीनशॉट लेना है तो वहाँ में मैं कर्सर ले जाऊंगा। ठीक है, मैं जो आइकन्स है यहाँ में डेस्कटॉप में आइकन्स जो है उसी को ही स्क्रीनशॉट कर लूंगा और बाकी स्क्रीन को नहीं लूंगा स्क्रीनशॉट। तो मैं इसमें ड्रैग कर लूंगा मेरा कर्सर। ठीक है, ये हो गया है, फिर मैं छोड़ दूंगा तो ये खुद ब खुद आ जाएगा स्नैपिंग टूल के अंदर। उसके बाद इसे सेव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, सेव एज में क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप में सपोज हम लोग सेव कर लेते हैं, जेपीजी फाइल कर लेता हूँ। कैप्चर ऑप्शन, फाइल नेम कैप्चर दिया हुआ है, इसे मैं सेव कर दिया। ठीक है, तो ये कैप्चर आ गया है, ये देखिए ये स्क्रीनशॉट आ गया है, ऐसे लगेगा अगर आप स्निपिंग टूल यूज करना चाहते हैं तो। ठीक है, फिर मैं इसके डिलीट कर देता हूँ और फाइनली जो मैं स्क्रीनशॉट लेने वाला हूँ, जो पेन के मदद से स्क्रीनशॉट लिया जाता है उसे मैं दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए आपको पहले सपोज मैं दिस पीसी का जो होम पेज है और दिस पीसी का जो होम पेज है उसे मैं स्क्रीनशॉट लेने वाला हूँ। तो इसे स्क्रीनशॉट लेने के लिए पहले आपको प्रिंट स्क्रीन बटन जो मैंने पहले बताया था, विंडोज प्रिंट स्क्रीन बटन, सिर्फ प्रिंट स्क्रीन आपको दबाना है। ठीक है, उसके बाद पेन में जाके पेस्ट करना है। कैसे मैं बता रहा हूँ, अभी जिसे आपको स्क्रीनशॉट लेना है उसी में जाके आप डायरेक्ट आप प्रिंट स्क्रीन बटन एक बार दबा दीजिए। ठीक है, मैंने दबा दिया, उसके बाद मैं पेन खोलूंगा और उसमें कंट्रोल वी यानी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा जो स्क्रीनशॉट है पेन में आ जाएगा। देखिए मैं पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल वी, ये आ चुका है। देखिए इसमें आप अभी एडिट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अभी हम लोग इसे भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लगता है पेंट में, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। देखिए पेंट में स्क्रीनशॉट आ चुका है, इसे अभी सेव करने के लिए सेव एज में जाएंगे, डेस्कटॉप में जाएंगे, इसे हम लोग जेपीईजी कर लेते हैं और सेव में क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं माय कंप्यूटर को भी मतलब क्लोज कर दिया हूँ। अनटाइटल इसे मैं अगर खोलूंगा तो ये देखिए माय कंप्यूटर का होम पेज का स्क्रीनशॉट यहाँ में आ गया है। ऐसे आप तीन तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं विंडोज में। इसे भी मैं अभी डिलीट कर देता हूँ।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएगा। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।